नमस्कार दोस्तों, रवि क्रियाना बिजनेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। नई वीडियो के साथ आज फिर आप लोगों के साथ पेश हुआ। दोस्तों बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि भैया हमें डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर चाहिए, इस तरह के वही हमारे शहर में डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ मिलेगा, कौन सा आइटम मुझे कहाँ से लेना। भैया मैंने वीडियो जो बनाई थी उसमें आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आप लोगों को पहली बार में तो मिलेगा ही नहीं, अगर आप लोगों को नॉलेज होगी तो मिलेगा, वरना आप पहली बार में जो दुकान का सामान होता है वो एक बार में ले लीजिएगा, कहीं से भी होलसेलर से ले लीजिएगा जो एक बार में सारा सामान रखता है। उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर से सामान अपने आप पता चल जाएगा आप लोगों के डिस्ट्रीब्यूटर किस माल का कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है। अब बंदे ये कॉमेंट कर रहे हैं कि भैया इस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर हमें कहाँ मिलेगा। भैया देखो, मैं अपनी सिटी में रहता हूँ, मेरे को अपनी सिटी का डिस्ट्रीब्यूटर पता है। आप अगर बड़ी सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को आराम से गूगल पे डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएगा। सपोज कीजिए कि लेज है, हल्दीराम की कोई भी आइटम है, एक्स वाई जेड जो भी आइटम है, आप उसको गूगल पे सर्च मारिए कि भैया लेज है डिस्ट्रीब्यूटर, लेज डिस्ट्रीब्यूटर इन आपकी सिटी, जैसे कानपुर है, बेंगलोर है, जो भी है, तो उसमें नाम आ जाएगा उसका डिस्ट्रीब्यूटर का। रही दूसरी बात, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 1000 रुपये का फ़र्क पड़ेगा आपको नई दुकान अगर आप कर रहे हो ना, कि भैया अगर हमने डिस्ट्रीब्यूटर से सामान ले लिया, होलसेलर से ले लिया किसी से मुश्किल 1000-1200 रुपये का आपको दिक्कत आएगी, इतने रुपये महंगा पड़ेगा, लेकिन वो पहली बार ही पड़ेगा। आप जैसे ही दुकान करोगे आपको धीरे 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 नॉलेज हो जाएगी, ये सामान इस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिएगा। आप दुकान करोगे तभी आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं। अब सपोज कीजिए कि ये देखिए, ये मैं मटर रखता हूँ, ये लोकल आइटम है जो मेरे ही सिटी में मिलेगी, इसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है क्योंकि ये लोकल बनाई जाती है। इसी तरह ये फैन है, रस है, नमकीन है, ये है जैसे नमकीन, इसका माप ये हालांकि ब्रांडेड चीज़ नहीं है लेकिन है लोकल, तो इनके क्या डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। ये आप लोगों को दुकान करने के बाद अपनी मार्केट पता करनी पड़ेगी कि किरियाना की दुकान का, कन्फेक्शनरी की दुकान का सामान मिलता कहाँ से है। और पॉइंट नंबर दो, एक भाई ने कॉमेंट किया कि भैया मैंने दुकान तो कर ली यार, मेरी दुकान पे है ना मुझे वो डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिल रहे, मुझे काफ़ी टाइम मेरी दुकान हो गई। भैया अगर आप छोटे से शहर से हो, मुझे नहीं पता आप छोटे से हो या बड़े से हो, जहाँ से भी हो, गूगल पे आप सर्च मारो लेज का, कुरकुरे का, स्नैक लाइट का, जिस चीज़ का भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा, अगर बड़ी सिटी से हो आपको आराम से मिल जाएगा। किसी भी दुकान वाले से पूछ लो, अगर किसी और कहीं जगह जाओ, दूसरी दुकान पर जाओ, उससे बोलो भैया इस चीज़ का माल मेरी दुकान आपकी दुकान से बहुत दूर है, उसको ये अगर आपने ये बोला कि आपकी दुकान के पास है तो शायद ना भी बताए। तो दूर किसी दुकान से जाके पूछो कि भैया मेरी दुकान ऐसे ऐसे है और मुझे इस नमकीन का, कुरकुरे का, जो भी है, दाल का, चीनी का, चावल का, उसका डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर चाहिए, तो वो आप लोगों को इजीली दे देगा। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि भैया दुकान से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी पीछे, कि भैया आप जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको सीधा पहली बार जाओगे, पहली बार जाने के बाद आप लोग जो भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंच गए, जैसे अब डिस्ट्रीब्यूटर आप लोगों को क्या बोलेगा कि भैया आपने सामान लेना, आप लोग सीधा उसको जाके बोलो कि भैया मैंने नई दुकान की है, मुझे सामान चाहिएगा। इसी तरह से आप लोग, एक भाई ने बोला कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, उसने मेरे को होलसेलर से भी महंगा रेट बताया, तो उसने आप लोग, आप नया बंदा करके, ऐसी बात नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर आपको सामान भी सस्ते में दे देगा, नया बंदा करके भी आप लोगों को महंगा सामान दे सकता है। तो इसीलिए मैंने एक पुरानी वीडियो मेरी बना रखी है, मैंने वो वीडियो देख लीजिएगा, उस वीडियो में आप लोग, उस वीडियो में पता चल जाएगा कि भैया जो स्टार्टिंग में दुकान करते हैं कौन सा रेट, कौन सा आइटम कितने रेट का है, उससे आप लोगों को थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं एक छोटी सी वीडियो यही बनाई है मैंने, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसे आप लोगों के कमेंट आएंगे अगली वीडियो उसी के टॉपिक पे होगी, जिस जो कमेंट आपके होंगे मैं वही वीडियो बना रहा हूँ, यही मैंने ऐसे ही वीडियो बनाई थी, इस टॉपिक पे बहुत कमेंट आ रहे थे। अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्यूरी है, नहीं समझ में आया डिस्ट्रीब्यूटर, तो आप मेरी @_lathwalrider के इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा, वहाँ से आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।